इस खबर के प्रायोजक है सीएनसी टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सीएनसी टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन से नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पाए बेहतर पिक्चर क्वालिटी। सीएनसी देता है आपको पुराने एवं नए कैमरों की सर्विस की भी सुविधा। सीएनसी इसलिए भी बेहतर है, यहाँ पर क्वालिफाइड टेक्निकल इंजीनियर द्वारा कैमरों की सर्विस की जाती है। यहाँ पर मिलेंगे आपको जेन 1 प्रोडक्ट विद एक्स्ट्रा वारंटी। संपर्क करें 716 सेक्टर 2 शास्त्री नगर मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत सभी जिलों में दूसरे दिन भी घने कोहरे की चपेट में शहर लिपटे रहे। मेरठ में सुबह से ही घने कोहरे के चलते आमजन को परेशानी का सामना पड़ा। सर्दी और तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि मेरठ समेत आसपास के जिलों में अभी कोहरे का असर बना रहेगा। बाड़ी क्षेत्र पर बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते वेस्ट यूपी में मौसम में बदलाव दिखाई दिया है, जिस कारण से सुबह के समय कोहरा तेजी से बढ़ा है। कोहरा आज सुबह भी इतना ज्यादा था कि हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। वाहन स्वामियों को पार्किंग लाइट के सहारे चलना पड़ रहा था। कोहरे के बढ़ने से सर्दी का असर बढ़ा है और ठिठुरन में लोग कांप पड़ रहे हैं। रात का तापमान भी सामान्य से नीचे आ गया है। गेहूं की फसल के लिए अच्छी है सर्दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर आर सेगर का कहना है कि गेहूं की फसल के लिए सर्दी का पड़ना बहुत ही जरूरी है। अभी तक दिसंबर माह में सर्दी का असर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, जिस कारण किसान परेशान थे। अब 2-3 दिन से सर्दी बढ़ी है तो फसलों के लिए भी लाभकारी होगी। सबसे ज्यादा गेहूं की फसल के उपयोगी सुबह